हेलो एवरीवन, गाइस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेस्ट बुक। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और हम जो अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसको आज कंटिन्यू रखेंगे। हम कल पढ़ रहे थे कि राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है ना, कि आपके 19वीं सदी, आपके जो 19th century है उसके सेकेंड हाफ में यानी 1857 के बाद ऐसे क्या कारण रहे है ना, ऐसे क्या कारण रहे जिसके वजह से आपका जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, उसकी जो भावना है उसका उदय होता है, उसका राइज होता है एंड वो और ज्यादा डेवलप होती है और एक नेशनल मूवमेंट का, एक राष्ट्रवादी आंदोलन का शेप लेती है। तो जल्दी से ज्वाइन करो और हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देख लेते हैं क्या स्टेटस है, कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं। आई थिंक आज टेलीग्राम पे शायद लिंक नहीं डाला है। टेलीग्राम पे लिंक आ गया आप लोगों को? एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, अभी टेलीग्राम पे लिंक नहीं है। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, जब तब तक आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो एंड आई विल स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। A very good evening to all of you. Just give me 1 minute. चलिए, लिंक शेयर हो गया है, अब वी कैन कंटिन्यू। सो बच्चों, हम लोग यहाँ पे अमन मेरे बारे में एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? मेरे बारे में नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर, फिलहाल के लिए तो नहीं है ना। सो बच्चों, हम लोग ये टॉपिक जो है आपका राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है ना, ये टॉपिक कर रहे थे और आज आवाज साफ है, सब क्लियर है ना, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था बहुत ज्यादा सा और उससे पूरी लिंक खराब हो जाती है। चलिए यहाँ देखिए। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हुए आपके सेकेंड हाफ ऑफ 19th century में, यानी कि 1850 से लेके, यूज द हाइलाइटर, आपके 1900 तक ये जो सेकेंड हाफ है इसमें ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से जो हमारी एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो अभी तक ब्रिटिशर्स की सपोर्टर थी, उनको जरूरत लगी कि हमें एक ऐसा मंच चाहिए है ना, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारी मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार के सामने रख पाए, ब्रिटिश सरकार जो है उस पर प्रेशर क्रिएट कर पाए और हमारे डिमांड्स जो है उसको फुलफिल किया जाए। सो मैंने आपको यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि दीज वर द पॉइंट्स जिसकी वजह से आपके जो शिक्षित भारतीय हैं, जो आपके एजुकेटेड इंडियंस हैं, वो ब्रिटिशर्स से काफी खफा हो गए थे, स्पेशली आपके सेकेंड हाफ के अंदर। आप में से जल्दी से मुझे लिस्ट आउट करके बताइए बच्चों पॉइंट्स को। नहीं, चैंपियन यूट्यूब पे ऑप्शनल नहीं होता, जो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन बैच है सुपर कोचिंग का, वहां पे आपको ऑप्शनल और सीसेट वगैरह है, ठीक है? बच्चों जल्दी से फटाफट लिस्ट आउट कर दो। एक देखो, 5 मिनट के अंदर वी विल समराइज जो हमने कल पढ़ा है। आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम अच्छे से कंटेंट यहाँ पे कवर कर पाएंगे। जल्दी से बताइए। सिविल सर्विसेज की एज, ओके, न्यू अपडेट, ठीक है। आर्म्स एक्ट, ओके। सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स कि एजुकेटेड इंडियंस नाराज थे जो सिविल सर्विसेज के रूल्स थे उनसे,
है ना, सिविल सर्विसेज के जो रूल्स थे उनसे एंड कुछ स्टेप्स जैसे कि आर्म्स एक्ट वगैरह, जो आपके लॉर्ड लिटन है ना, जो आपका लॉर्ड लिटन है उसकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज है उससे इंडियंस नाराज थे। चलिए ठीक है, बताना ये है अनुज कि जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो शिक्षित भारतीय हैं वो आपका जो ये सेकेंड हाफ है इसके अंदर ब्रिटिशर्स से क्यों नाराज हो गए थे, है ना, जहां पे 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? एल्बर्ट बिल, वेरी गुड, है ना, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, एल्बर्ट बिल, आईसीएस हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज हो गया, सुंदर, एल्बर्ट बिल हो गया। बच्चों 1861 में बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन सारा पानी फिर गया। 1861 का एक्ट है ना, सो कल हम इसको ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, है ना, और जल्दी से कुछ बचा है, जो बचा है वो लिखाओ, बताओ जल्दी से। डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, इक्वल नहीं बता रहे थे, ओके, समीक्षा ने लिखा है सिविल सर्विसेज, आर्म्स एक्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके गाइस, चलो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ गए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं या कल का जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं, आई विल समराइज की याद कैसे करना है। देखो पहले एजुकेटेड इंडियंस जो है वो बेचारे सोच रहे थे कि यहाँ पे एटलीस्ट जो आपका लेजिस्लेचर है, विधायिका में जो चेंजेस आएंगे उसके बाद में उनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिलेगी, एक प्रतिनिधित्व वाली सरकार मिलेगी। लेकिन 1861 में नाम मात्र के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया लेजिस्लेचर में, आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन कोई रियल पावर नहीं दिया गया, है ना, ना तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो ढंग से, है ना, ना कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बात उठती है, ना कोई आपको बजट पे डिस्कशन का हक है। सो बेसिकली उनको कोई पावर नहीं था, जो लेजिस्लेचर थी उसको, और जो लोग भेजे गए वो भी नॉमिनेटेड लोग थे, चेले चपाटे होते थे ब्रिटिश सरकार के, है ना, ब्रिटिश सरकार जो है उसके लॉयलिस्ट या चेले चपाटे होते थे। तो 1861 से इंडियंस जो है वो नाराज है। अब यहां पे चलो पॉलिटिकल करियर तो नहीं बन रहा, आपको याद करने का तरीका बता रही हूं, तो सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाते हैं, आईएएस वाईएएस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे भी इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, जिसको आज हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसकी तरफ, लेकिन यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स थे। मैंने आपको बताया था एग्जाम जो है वो लंदन में होती थी, आपको ग्रीक और लैटिन भाषा आनी चाहिए, इतना खर्चा होता था, ऊपर से हॉर्स राइडिंग वगैरह आनी चाहिए, घुड़सवारी वगैरह, एंड एज कम करते जा रहे थे, जो एज आपके 1859 में 23 इयर्स थी उसको इन्होंने घटा घटा के लॉर्ड लिटन के टाइम पे 19 साल कर दिया। तो सिविल सर्विसेज का स्कोप भी गया हाथ से। फिर इंडियंस को लगा चलो कोई बात नहीं है, अभी भी बाकी जॉब्स हैं, है ना, ऐसे याद करना होता है कहानी को कि ठीक है पॉलिटिकल करियर ना सही, सिविल सर्विसेज में ना सही, जज बन जाएंगे, है ना, जज बन जाएंगे। एल्बर्ट बिल के थ्रू जो यूरोपियंस हैं और जो इंडियन जजेस हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके बीच में इक्वेलिटी या समानता लाने की कोशिश कर रहे थे कि जो इंडियन जजेस हैं वो भी जो यूरोपियन एक्यूज्ड हैं, है ना, उनको उनका ट्रायल जो है उसको उसके ऊपर देखें, सिट ओवर द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपीय आपके कैदी हैं जिन पे मुकदमा चल रहा है उसके मुकदमे के ऊपर भारतीय जज भी बैठ पाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं था। सीपी एल्बर्ट, है ना, सीपी एल्बर्ट जो है वो उस टाइम के जो वायसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उस टाइम पे वायसरॉय थे आपके लॉर्ड रिपन, जिनको फ्रेंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना, जिनको फ्रेंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जो लॉर्ड रिपन है आपके, जो आपके लॉर्ड रिपन है ना, इन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, इंडियन जजेस के बीच में और यूरोपियन जजेस क्योंकि इक्वली क्वालिफाइड हैं तो इक्वालिटी होनी चाहिए, और इंडियन जजेस जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है
कि हमको भी यूरोपीय जो यूरोपियंस है जिन पे मुकदमा चल रहा है भारत में, उनके केसेस का जो ट्रायल है उसके ऊपर बैठने का, उसको ओवरसी करने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, लॉर्ड रिपन के जो लॉ मेंबर थे, सीपी इल्बर्ट नाम था उनका, है ना, उनका नाम था सीपी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट ने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा एक लॉ बना देते हैं कि इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस के बीच में पैरिटी होगी, और यूरोपियन जो अक्यूज्ड है उनको इंडियन जजेस उनका ट्रायल देख पाएंगे। बट इसको लेकर के ये जो मुद्दा था जहां पे इंडियन जजेस और यूरोपियंस के बीच में इक्वेलिटी लाने की कोशिश की जा रही थी, ये वो जो वाइट रेस के लोग हैं वो झेल नहीं पाए, है ना, वो लोग ये झेल ही नहीं पाए। अब मानिए कि न केवल ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो जजेस हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसका, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इनफैक्ट आपके ब्रिटेन के अंदर लोग जो है वो प्रदर्शन निकाल रहे थे, लोग जो है वो प्रदर्शन निकाल रहे थे कि कैसे आप इंडियन जजेस को यूरोपियन जजेस के बराबर बिठा रहे हो। और यहाँ पे इंडियंस के मुंह पे बहुत तेज तमाचा पड़ा, दे वर लाइक कि हम इक्वली टैलेंटेड हैं लेकिन ये कभी हमें इक्वल होने नहीं देंगे। और यहां से इंडियंस ने एक और चीज सीखी कि यार बड़ा अच्छा तरीका है, अगर कोई डेमोक्रेटिक सरकार है ना, या गवर्नमेंट है, उसके ऊपर आपको प्रेशर बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, आप प्रोसेशंस निकालना शुरू कर दो, नारे लगाना शुरू कर दो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना, एक सुसंगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में, विदाउट एनी वायलेंस के आप मोर्चा निकालिए, सरकार को आप मेमोरेंडम दीजिए, काम बन जाता है। तो उनको लगा कि बहुत शांत तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, संवैधानिक तरीके से, है ना, रिक्वेस्ट करके, पेटिशन सबमिट करके, प्रोसेशंस निकाल के, पब्लिक मीटिंग बुला के भी अपनी डिमांड्स को मनवाया जा सकता है। बट ये लोग भूल गए थे कि ब्रिटेन में जहां उनकी सरकार उनकी बात को मान रही है वो उनकी डेमोक्रेटिक सरकार है, इंडिया में वही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक कॉलोनियल पावर है, एक उपनिवेशक सरकार है, वो उनकी डिमांड को इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में नहीं मानेगी। लेकिन एजुकेटेड इंडियंस उस टाइम पे इसको समझ नहीं पाए, तो सिविल सर्विसेज का करियर नहीं है, पॉलिटिक्स का करियर नहीं है, जज बनने नहीं दे रहे इक्वालिटी के बेसिस पे। इसके अलावा अगर वो सोचे कि हम मॉडर्न इंडस्ट्री लगा लेते, चलो ठीक है नहीं करना ये सब, हम जाकर के मॉडर्न इंडस्ट्री लगाएंगे, पर जैसे कि हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इंपैक्ट के अंदर कि मॉडर्न इंडस्ट्री भी लगाने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं था सरकार ने, है ना, मॉडर्न इंडस्ट्री अगर लगा भी लोगे, मशीनरी बाहर से मंगानी है, वो इतनी महंगी आती थी, ऊपर से सरकार के नए नए टैक्स होते थे आए दिन, बाहर का मार्केट सरकार पूरा खाई चुकी थी उनका, इंटरनल मार्केट में ब्रिटिश गुड्स की भरमार थी जो सस्ते थे, तो मॉडर्न इंडस्ट्री को ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, ना पॉलिसी सपोर्ट है, कुछ नहीं दे रही सरकार, तो मॉडर्न इंडस्ट्री भी नहीं लगनी है, ना उद्योग कर सकते हो, ना जॉब कर सकते हो, ना नेता बन सकते हो, और ऊपर से आपके आर्म्स एक्ट जैसे एक्ट पास किए जा रहे हैं, है ना, आर्म्स एक्ट पास किया जा रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया जा रहा है, सो आपकी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी नहीं है आपको, तो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, आपके जो सिविल राइट्स है, बेसिक मूलभूत अधिकार हैं, उनको भी टोटली नेग्लेक्ट किया जा रहा है ना, उसका भी कंप्लीट नेग्लेक्शन हो रहा है। इफ दिस वॉज नॉट इनफ, आप एक आर्म्स एक्ट लेके आते हो और इंडियंस को कहते हो कि अगर आपको आर्म्स रखने हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा, तो फिर बाकी लोगों पे ये लागू क्यों नहीं होता, यूरोपियंस पे? सो इंडियंस जो है वो एक तरीके से फील कर रहे थे कि अब टाइम है कि हमको एक सुसंगठित ऑर्गेनाइज तरीके से एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, है ना, एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। और इसके अंदर मैं कल जैसे आपको बता रही थी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे जो एजुकेटेड इंडियंस के अंदर ये जो इच्छा पैदा हो रही है उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। वी विल डिस्कस दिस। इतना सबको समझ में आया? आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एजुकेटेड इंडियंस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी डिमांड मंगवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बना रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं,
तो ये सब बता पाएंगे? एंड गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, एक और इंपॉर्टेंट रीजन, अभी तक तो लगता था कि चलो यार इनके साथ में रह के एटलीस्ट सोशल प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा समाज प्रगति की तरफ जा रहा है, सती एबॉलिशन एक्ट आ गया है ना, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया 1829 में, फिर लगा यार विडो रीमैरिज एक्ट आ गया है, विधवा पुनर्विवाह, तो एजुकेटेड इंडियंस वर लाइक चलो एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली आपके डेलाउजी के टाइम पे पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गया था, कुछ कंस्ट्रक्शन की लाइन वगैरह बिछाई जा रही थी, रोड्स बन रहे थे, टेलीग्राफ लाइन आई थी, तो इंडियंस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो ठीक है किसी भी उद्देश्य से काम किया जा रहा हो, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ सोशल रिफॉर्म हो रहा है। बट 1857 के बाद जैसे हमने डिस्कस किया था, आपकी ये जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, ये ऑलमोस्ट जो आपके बैकवर्ड सेक्शंस हैं या आपके जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, करेक्ट वे है ना, अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज करूं तो जो आपके ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं, जो आपके रूढ़िवादी लोग हैं, उनको इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी अब जो आपकी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसका रूल ना तो इकोनॉमिकली कुछ रिटर्न दे रहा था, ना पॉलिटिकली इंडियंस के लिए अच्छा था, और ना ही सोशली प्रोग्रेसिव था या सामाजिक प्रगति की तरफ था। अब इंडियंस जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। लिख पाओगे इस आंसर को अगर आपको कोई भी ये क्वेश्चन देता है आज के बाद? लेट मी सी योर कमेंट्स, है ना, सही है, इंग्लिश हिंदी करते रह जाना तुम लोग। बच्चों मैं शुरू से लेके अभी तक हमेशा एक ही बात बोलती हूं, इन सब चीजों को छोड़ दो, है ना, कोर समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और फिर जाके किताब पढ़ोगे ना, तो लैंग्वेज जो है वो कभी बैरियर नहीं होती है, लैंग्वेज जो है वो कभी बैरियर नहीं होती। एंड आप यूपीएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर होता है। मैं बाइलिंगुअल बोलती हूँ, इंग्लिश हिंदी मिला करके दोनों के लिए इक्वली उतना ही इफेक्टिव होता है वो। सो वो बोलते हैं ना, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ टाइप्स। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के पीछे मत जाइए, कोशिश कीजिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। एग्जैक्टली सारे दिन ये सब नहीं करना होता है, पढ़ना होता है। होप दिस इज क्लियर। सो मैंने कहा था आपको कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जो इंडियंस के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही थी उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये क्या था, यहां जल्दी से देखते जाइएगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि पूरे इंडिया का जो कंट्रोल है वो 1858 के एक्ट के बाद में, है ना, 1858 के एक्ट के बाद में ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब क्या हुआ, जो पॉलिसीज बनाई जानी थी, नीतियां, है ना, या जो लॉज बनाए जाने थे, कानून, या जो प्रशासन सिस्टम लाना था, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, चाहे आपके लॉज हो गए, चाहे आपका ओवरऑल कंट्रोल हो गया, अब पूरा देश एक सम्मान सिस्टम के अंदर बंद गया था। चाहे ये सिस्टम कितना भी ज्यादा अनजस्ट हो, है ना, भले ही बहुत न्यायिक नहीं था, लेकिन यस सिमिलर, हम सब अगर सिमिलर लॉज के अंडर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर सिमिलर पॉलिसीज लागू हो रही हैं, हमारा जो प्रशासन सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर सब सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के मन में एक धीरे धीरे भावना घर करने लगी कि यार हम सब लोग जो है वो एक हैं। दूसरा, हम जब आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि रेलवे लाइंस बिछाई गई, है ना, आपके मुंबई से थाना 1853 में फर्स्ट लाइन चलती है, उसके बाद में आपके मद्रास में, आपके कलकत्ता में, है ना, और देश के विभिन्न भागों में रेलवे लाइंस बिछाई गई, आपके टेलीग्राफ लाइन आई, है ना, आपकी सड़क जो है उसको डेवलप किया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ने लगी,
ये काम भले ही ब्रिटिश सरकार, जैसा कि हमने पढ़ा था, खुद के इंपीरियल और कलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कर रही थी, अपने साम्राज्यवादी और जो उपनिवेशक उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, है ना, उसके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इंडिया के अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए कर रही थी। लेकिन यस, उसका इनडायरेक्टली इंडियंस और जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि अब लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ज्यादा तेजी से। जब ये लोग सेम रेलवे के डिब्बे में ट्रेवल करते थे, है ना, डिफरेंट कास्ट से आते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, डिफरेंट रीजन से आते हैं, तो धीरे धीरे इंडियंस को एक कि हम सब एक हैं वाली भावना आने लगी, यूनिटी, है ना, यूनिटी। तो ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार और परिवहन के आधुनिक साधन आ रहे थे, है ना, जो सेम प्रशासन, लॉ सिस्टम एंड आपका पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब कुछ जो डेवलप हो रहा था, ये लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला रहा था कि वो सब लोग एक हैं। इसके अलावा जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, सबका इक्वली, है ना, सबका इक्वली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जमींदार हो, है ना, चाहे कोई भी हो। इंडिया का जो पैसा है वो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के बारे में पढ़ा था क्लास के अंदर, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का निष्कासन। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि बार बार फेमिन की कंडीशन होने लगी थी, है ना, बार बार भुखमरी की कंडीशन होती थी एग्रीकल्चर में। नकदी फसल जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। सो आपका टोटल जो फूड क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन कम था बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग बहुत गरीब थे, पॉवर्टी थी। सो इन सब सिचुएशंस में आम जनता जो है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। सो अब कैसा हो गया है, आम जनता खिलाफ है, चाहे वो पेजेंट हो गया, किसान हो गया, आपका आर्टिशन, आपका कारीगर हो गया, चाहे आपके एजुकेटेड इंडियंस हो गए, सब लोग परेशान हैं, सब परेशान हैं, सब एक जैसा फील कर रहे हैं कि हम सब तो एक ही हैं, है ना, हम सब तो एक ही हैं। और ऐसे में उनकी लीडरशिप के लिए जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो इंग्लिश एजुकेटेड हैं, है ना, जो इंग्लिश एजुकेटेड हैं, सो कॉमन भाषा में बात कर सकते हैं, चाहे बॉम्बे से आ रहा हो, चाहे कलकत्ता से लीडर आ रहा हो, चाहे मद्रास से आ रहा हो। अब ये जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे, ये जो नई उभरता हुआ मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास थी, सब इक्वली एजुकेटेड थे, सब मॉडर्न एजुकेशन पढ़े थे। तो आपकी अमेरिकन इसके बारे में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानते थे, जानते थे कि इक्वालिटी क्या होती है, है ना, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अधिकार क्या होते हैं, बेसिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, सिविल राइट क्या होता है। सो अपने अधिकारों की इनको नॉलेज है, ठीक है, अपने अधिकारों की इनको नॉलेज है। इंग्लिश भाषा इनको, जो हमारा लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है अगर हमको भाषा नहीं आती थी, तो अब क्या है, एक बंगाली एक मराठी से अच्छे से बात कर सकता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन थिंकिंग है क्योंकि सब मॉडर्न एजुकेशन रिसीव किए हैं, एक जैसा सोचते हैं। और ये लोग अब आपके रेलवेज और आपका जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम आया, परिवहन और संचार के साधन, इससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं। सो आप देख सकते हो एनवायरमेंट पूरा तैयार हो चुका था, है ना, आपके आसपास वैसी ही कंडीशंस हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन यस, यूनिटी की भावना डेवलप होने लगी है और पता चलने लगा है कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है। और ऐसे में एक ऐसा वर्ग सामने आ रहा है जो उनको लीडरशिप देने के लिए तैयार है, हमारे एजुकेटेड इंडियंस। तो इस पीरियड के अंदर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, इन सभी कारकों के वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन बनने लगे देश के विभिन्न भाग में, चाहे वो आपका मद्रास हो गया, चाहे वो आपका बॉम्बे हो गया, है ना, मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा, जो आपके प्रेसिडेंसीज हैं,
वहां पे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे जिसकी लीडरशिप थी मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस के हाथ में, आधुनिक शिक्षित भारतीयों के हाथ में, जिनमें से एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आपका काम रहा कि आज के कमेंट बॉक्स में आप मुझे होमवर्क में लिख के बताएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो राजनीतिक संगठन सक्रिय थे या एक्टिव थे, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय थे या एक्टिव थे, ठीक है, एक्टिव थे और इनकी डिमांड या मांग क्या थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होना चाहिए, वो किस प्रेसिडेंसी से आता था उसका नाम, उससे जुड़े हुए लीडर्स का नाम और इनकी मेन डिमांड्स क्या थी, ये आप मुझे लिख के बताएंगे आज के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई विल रिव्यू एंड सी कि कौन कितना अच्छा लिखता है, क्योंकि बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्लास खत्म नहीं हुई है संदीप, क्लास अभी शुरू हुई है, होमवर्क तो मैं बीच बीच में देती रहती हूं। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दो फटाफट, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। बच्चों हम ये सब कुछ डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक बार सुपर कोचिंग के बारे में बता देती हूँ। जो कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ना चाहते हो, है ना, विद डाउट सेशंस, रिविजन सेशंस, मेंस आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो आप हमारा जो पेड वाला बैच है सुपर कोचिंग का वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, और इसके अंदर ना केवल आपको जनरल स्टडीज, बल्कि साथ ही में एक ही पैकेज में जीएस, है ना, आपका एनसीईआरटी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका सीसेट, सब कुछ प्रिपेयर करवाया जा रहा है। आपको इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ नोट्स दिया जाता है हर टॉपिक का, आपके मॉक टेस्ट हैं 550 से ज्यादा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के मिला के, सो यू कैन ज्वाइन, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, है ना, और आपकी इन लाइव क्लासेस के अंदर यहाँ पे आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाता है मेंस आंसर राइटिंग पे, आपको प्रीलिम्स के कुछ टेक्निक सिखाए जाते हैं, एंड इसके अलावा आपका रिविजन, डाउट, पर्सनल स्ट्रेटेजी सेशन वगैरह भी होता है, सो यू कैन ज्वाइन इट। आपकी फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस जो है आपकी वो कुछ 2500 रुपीज पर मंथ है, ठीक है, 2500 रुपए पर मंथ है आपकी फीस, बट यू कैन यूज द कोड इफ यू वॉन्ट, आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है ये, दिस इज माई कूपन कोड, यू कैन यूज इट SON20। तो आपको जो भी अपनी फीस है ये 2500 रुपए पर मंथ की, इस पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, सो यू कैन यूज इट। कहाँ थे हम लोग, यस, मैं आपसे बात कर रही थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। आप लोग क्या जानते हैं, आप में से कोई जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं। नीतीश, ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है, धन का निष्कासन, कि कैसे भारत का जो धन है वो ब्रिटेन में लेके जाया जा रहा है, कौन कौन से माध्यम से, और ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था ये थियरी, धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ। प्रीवियस जो लेक्चर है ना इकोनॉमिक्स वाला, एक बार वो देख लेना, ठीक है,
बेसिक मतलब इतना था कि आप भारत के धन को धीरे धीरे यहां से पूरा सोक करके एब्जॉर्ब करके ब्रिटेन में जाके स्क्वीज कर रहे हो, वहां जाके सारा धन लेके जा रहे हो। ठीक है, जनरल स्टडीज और जीएस एक ही तो होता है, जीएस और जनरल स्टडीज द सेम थिंग, जीएस इज शॉर्ट फॉर्म, सामान्य अध्ययन आपका। बच्चों जल्दी से बताइए, एग्जैक्टली अनुज, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा बच्चों मैं आपको बताती हूँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, आपको शायद ये फैक्ट नहीं पता होगा और ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में है। होता क्या है, जब हम बड़ी बुक्स को पढ़ने लगते हैं, रेफरेंस बुक्स को, तो हम अपना बेसिक या फाउंडेशन कभी कभी हमारा कमजोर हो जाता है ना, कभी कभी हमारा बेसिक या जो फाउंडेशन है वो कमजोर पड़ जाता है। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, इनको बहुत ही फिल्मसी ग्राउंड्स पे है ना, बस नाम ऐसे कुछ भी बहाना बना करके इनको सर्विसेज से निकाल दिया गया। और वो होता है ना कि आईएएस से निकले तो टिकेंगे नहीं, सो ही स्टार्टेड पॉलिटिकली, ही बिकेम वेरी एक्टिव। और 1883 में कलकत्ता के अंदर इन्होंने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस या पहला राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है उसका सम्मेलन किया, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 1883 में, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जब मैं आपको ये हाईलाइट करके बता रही हूं ना कॉन्फ्रेंस, तो बच्चों आपको इस पे ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको लीड कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सारी आपके प्रेसिडेंसीज हैं, जो प्रोविंसेस हैं है ना, आपके बंगाल है, बंगाल में तो ये लोग खुद ही थे, आपके मद्रास हो गया, आपका बॉम्बे हो गया, और आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हो गए, वहां से इन्होंने जो लीडर्स हैं उनको बुलाया और यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि यार क्या किया जाए, आगे का क्या स्टेप होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सब लोग एग्री कर रहे थे कि एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हमारे पास एक नेशनल लेवल का संगठन होना चाहिए। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में दिसंबर कलकत्ता के अंदर एक सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया, द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया, जहां पे बहुत सारे लीडर्स आए। बट ये वो टाइम है दिसंबर 1885 का, जब आपके बॉम्बे के अंदर है ना, आपका जो बॉम्बे है वहां पे भी कुछ लीडर्स जो हैं वो मिल रहे थे, और जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना होती है, कहां पे, बॉम्बे में। सो इसीलिए मैंने कल आपका जो एक मास्टर क्लास वाला सेशन होता है 6 PM पे, बच्चों हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड आपका मास्टर क्लास होती है टेस्ट बुक की ऐप के ऊपर, ठीक है। तो टेस्ट बुक की ऐप पे अगर आप जाएंगे शाम को 6 बजे मंडे से फ्राइडे मैं वहाँ पे लाइव होती हूँ, और जो हम इस क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। जो लीडर बोर्ड को टॉप करता है उसको सुपर कोचिंग की फीस के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस मास्टर क्लास को टेस्ट बुक की ऐप पे, शाम को 6 से 6:30 आधे घंटे का होता है, 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, रोज एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने वहां ये क्वेश्चन पूछा था कल, है ना, तो बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स था, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। 1883 फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता, दिसंबर 1885 में सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के अंदर। तभी क्या हो रहा है, पैरेलली दिसंबर 1885 में उसी समय पे बॉम्बे के अंदर भी कुछ लीडर्स मिले हुए हैं
72 डेलीगेट्स, और इनको एक रिटायर्ड, है ना, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, एओ ह्यूम बोलते हैं, एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने इन सबको इकट्ठा किया था कि हम लोग एक मंच तैयार करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन, जहां पे आपकी जितनी भी कंप्लेंस होगी वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और उन कंप्लेंस को एड्रेस करने के लिए सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को कैसे पेश करना है वो आप डिस्कस कर सकते हो। सो लेट्स प्लान इट। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अंदर शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो उस टाइम पे सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बिजी थे। सो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, जो हम फाउंडिंग फादर्स में गिनते हैं जिनको, वो आपके कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में नहीं थे। अब आपके बॉम्बे के अंदर की अगर हम बात करें, तो बॉम्बे में ये जो 72 लोग मिले, जिनको एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए हो ह्यूम जो है वो लीड कर रहे थे, जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है खुद, ये लोग यहाँ मिलते हैं और फिर डिस्कस, ये कांग्रेस के फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये मीटिंग जिस जगह पे हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, आज सुबह हम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट, 1 बजे से जो 2:30 बजे वाला सेशन था, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, December 1885। इसे फर्स्ट नेशनल असेंबली का नाम दिया गया है, फर्स्ट नेशनल असेंबली। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता 1883, फर्स्ट नेशनल असेंबली बॉम्बे में जब ये लोग मिले, बॉम्बे December 1885, 72 डेलीगेट्स, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है उसने इनको बुलाया था यहाँ पे। और यहाँ पे कांग्रेस के इस सेशन को, जिसको फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, जहां पे उसकी स्थापना हुई, वहां पे इसके प्रेसिडेंट चुने गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्टार्टिंग में कांग्रेस का एजेंडा क्या था, है ना, क्या काम करना चाहते थे ये लोग? तो इन्होंने डिसाइड किया था कि चलो ठीक है, जैसा कि ये लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, कि एक ना ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए एक, और इस अखिल भारतीय संगठन के अंदर हम जो भी हमारी डिमांड्स है, सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो हम सबकी कॉमन है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, कि भाई ये प्रॉब्लम तो पक्का सॉल्व होनी चाहिए, ये सबकी कॉमन है, इरेस्पेक्टिव आप ईस्ट इंडिया से आ रहे हो, आप वेस्ट इंडिया से आ रहे हो, साउथ से आ रहे हो, या सेंट्रल इंडिया से आ रहे हो, या नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, सबके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमें ब्रिटिश सरकार के सामने रखना है एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ये तो इनको पता था। दूसरा, इन लोगों को अभी भी ये लगता था कि अगर हम, जैसे कि इल्बर्ट बिल के खिलाफ ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हुआ था कि आप इंडियंस को इक्वलिटी क्यों दे रहे हो, वैसे ही अगर हम भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सुसंगठित तरीके से एक मूवमेंट को लीड करेंगे तो सरकार हमारी बात को मानेगी। तो इन्होंने सोचा एक पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो जो हर साल मिलेगा, है ना, उसके एनुअल सेशन होंगे हर साल दिसंबर के महीने में, और यहाँ पे हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड यस, जो भी निकल के आएगा, जो भी हमारी डिमांड्स होगी, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक तरीके से हम उसे सामने रखेंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि इनको अभी भी लगता था कि अगर इस सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसको पेटिशंस देंगे, इसको बताएंगे कि हम क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये सॉल्व कर देंगे। यानी ये अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थे, ये ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नहीं थे, ये बस जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भारतीय इंडियन प्रशासन है, जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ब्रिटिश भारतीय जो प्रशासन है उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे बच्चों। इतना समझा सबको? स्टार्टिंग के लीडर्स ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना के संवैधानिक तरीके से
ब्रिटिश सरकार के सामने जो कॉमन उनकी डिमांड्स हैं उसको रखना चाहते थे। ये अभी भी ब्रिटिश एम्पायर से कोई इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे, ये बस चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो ब्रिटिश भारतीय प्रशासन है उसमें कुछ सुधार लाया जाए, इतना सा बस। कुछ ज्यादा उनकी बहुत उम्मीद नहीं थी। अब क्या बोलेंगे, तो एक तो इनको लगता था कि यार जो आम जनता है वो अभी तैयार नहीं है, उसको हम नेशनल मूवमेंट में अभी एंटर नहीं करवा सकते हैं, है ना, एक तो इनको ये लगता था। तो कहते थे कि यार ये लोग काफी जो अभी मासेस हैं, जो आम जनता है वो काफी इलिटरेट है, उसको डेमोक्रेसी क्या होती है नहीं पता, है ना, कभी भी ये लोग भड़क सकते हैं जात के नाम पे, आपस में रिलीजन के नाम पे या रीजन के नाम पे, तो बहुत डिवाइडेड है हमारे लोग, इनको नेशनलिज्म क्या होता है नहीं पता, इनको डेमोक्रेसी क्या होती है नहीं पता, तो हमको ये सब इनको पहले इनको तैयार करना होगा इसके लिए और फिर हम इनको पॉलिटिक्स में ला सकते हैं, ऐसा। तो एजुकेट करना चाहते थे इंडियंस को, उनको अवेयर बनाना चाहते थे। दूसरा, क्या डिमांड रखेंगे आप खुद ही सोचो, जिस चीज से परेशान है वही डिमांड्स रहेगी इनकी, है ना, वही इनकी डिमांड्स रहेगी। तो क्या थी देखते हैं, शुरू में इनकी डिमांड होती थी पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड, कि जो आपका लेजिस्लेचर है, जो आपकी विधायिका है, उसे और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, उसे और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनाया जाए। बच्चों मैं आपके कमेंट्स को देख लेती हूं, एक बार ये कर लेते हैं पहले। क्या हो गया तुम लोगों को, क्लास समझ में नहीं आ रही है क्या? बताओ बताओ जल्दी से। क्लास समझ में आ रही है सबको या सो गए हो? आ रही है, चलो बढ़िया है, ठीक है। सो हमारी सरकार रिप्रेजेंटेटिव वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन करवा के पॉलिटिकल करियर दे दो, है ना, तो बेसिकली पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड डिमांड है कि लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, इलेक्शंस करवाओ, इंडियंस को उसमें भागीदारी दो, ये बात कर रहे हैं। फिर दूसरी क्या थी, वो सिविल सर्विस वाले करियर की बात थी ना बेचारों की, तो इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसके अंदर इंडियंस को इक्वल चांस दो, है ना, इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट करवाओ, इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में एक पैरिटी हो, बराबरी हो, ऐसा करो, तो इससे रिलेटेड डिमांड रख रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मॉडर्न इंडस्ट्रीज, है ना, तो कह रहे थे कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर सपोर्ट करो, आपकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म लाओ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि ब्रिटेन से आने वाले जो गुड्स हैं, है ना, उन पे तो आप कोई चार्ज नहीं लगाते, बट इंडिया से जब गुड्स वहां जाते हैं तो आप उस पे इतना टैक्स लगाते हो, तो ये वन वे फ्री ट्रेड क्यों है? ब्रिटेन से यहाँ पे आने वालों के लिए तो फ्री है, हमारा वहां जाता है तो इतना महंगा बिकता है। तो कह रहे मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करो, बेसिकली जो कंप्लेन से उसको एड्रेस करेंगे, यहाँ पे याद करने का तरीका है ये, है ना, लिंक करके याद करने का तरीका है। पॉलिटिकल कंप्लेन थी तो उसमें पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस को इक्वल भागीदारी दो, इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट कराओ, एज जो इतनी कम कर रखी है उसको बढ़ा दो सिविल सर्विसेज के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए कह रहे हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज को प्लीज लगने दो ना हमारे यहाँ पे, है ना, वैसा वाला काम है। और फिर क्या, और क्या था, और प्रॉब्लम्स थी जो इनको, कि किसान जो है उनसे आप इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू मत लो, है ना, जो आपका लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व इतना ज्यादा है प्लीज उसको कम कर दो। सो बेसिकली शुरू में इनकी डिमांड्स ये सब थी।
ठीक है, मोस्टली इनकी जो कंप्लेंट्स थी वो अपर सेक्शन जो है उससे ज्यादा रिलेटेड थी। मैं बहुत ही फ्रेंकली बोलूंगी, शुरुआती दौर में जब कांग्रेस बनी तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो जो ये एजुकेटेड मिडिल पर्सन फेस कर रहे थे, चाहे लेजिस्लेचर हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्री हो गई, ये सारी थी। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस का, तो इसके जो लीडर्स थे वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या वो आपके एजुकेटेड इंडियंस थे, लॉयर्स थे, आपके वकील हो गए, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति हो गए, है ना, आपके बाकी एजुकेटेड इंडियंस हो गए। तो ये लोग कांग्रेस में स्टार्टिंग में बल्क में थे बहुत ज्यादा, तो इनकी डिमांड भी इनकी जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड थी। बट यस, मांग लेते थे कभी कभी कि जो प्लांटेशन में हमारा लेबर है उसकी कंडीशन पे ध्यान दो, है ना, बागानों में जो मजदूर है उसकी कंडीशन सुधार दो, किसानों से इतना ज्यादा भू राजस्व मत लो। और कहते थे, क्योंकि देखो टैक्स पेयर कौन है, यही लोग टैक्स पेयर थे उस टाइम पे, है ना, यही लोग कर चुकाने वाले थे, टैक्स यही पे करते थे, तो सरकार से कहते थे कि जो हमारा टैक्स का पैसा है ना, वो आप ब्रिटेन ले जाना बंद करो, या फिर आप हमारा जो पैसा टैक्स के रूप में लेते हो उसको अपनी जो ब्रिटिश आर्मी है उसको आर्म्स एंड एम्युनिशन देना बंद करो ये सब। या क्या कहते थे कि जो हमारा पैसा है वो आप वॉर पे मत खर्च करो, कभी अफगानिस्तान के पास वॉर पे पहुंच जाते हो, कभी म्यांमार में पहुंच जाते हो, कभी किस कंट्री में वॉर के लिए पहुंच जाते हो। सो जो आप हमारी नेबरिंग कंट्रीज से वॉर कर रहे हो इसमें हमारा ही पैसा जाता है, हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, सो ये सब मत करो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया के टैक्स का जो पैसा है वो इंडिया के लोगों के वेलफेयर पे खर्च करो, ठीक है। अब आज के बाद में आपसे अगर कोई पूछता है कि स्टार्टिंग फेज में कांग्रेस की डिमांड्स क्या क्या थी, तो गड़बड़ नहीं करोगे, याद रहेगा, जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताइए। यस, जोर देके किसानों की आवाज नहीं उठाई, कभी कभी बोल देते थे कि यार इतना भू राजस्व मत लो, सही नहीं है। जल्दी से बताओ, आज के बाद कभी गड़बड़ नहीं करोगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि हमें पता है लॉयर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, तो डिमांड कैसी होगी उनकी, तो ये सारी डिमांड थी उनकी। कभी कभी प्लांटेशन लेबर की बात हो गई, है ना, सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है उसकी बात हो गई, या किसानों से भू राजस्व की बात हो गई, कभी कभी कर लेते थे बट इतना जोर नहीं देते थे उसके ऊपर। अब बच्चों, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूं, कांग्रेस के सेशंस आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी जब अपना ये 1-2-2:30 वाला सेशन था उसमें भी मैं आपको बता रही थी और अभी फिर से कह रही हूँ, एक हमने अपने इसी चैनल पे सुपर आईएएस बाय टेस्ट बुक पे मैंने अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला है, 20 मिनट्स का है, जिसमें कांग्रेस के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी सेशंस हैं हिस्टोरिकली जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जा सकते हैं, वो सारा सेशन बना दिया है, आप चाहे उसको देख सकते हो। मैं आज टेलीग्राम पे उसको डाल दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ये है हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेस्ट बुक, आप चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के जो नोटिफिकेशन होते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट होता है वो सारा यहीं पे आता है, ठीक है। Guys, just a minute. चलो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। तो बच्चों, हम ना स्टार्टिंग के सेशन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमें पता है फर्स्ट सेशन 1885 में आपके बॉम्बे में हुआ, जिसको फर्स्ट नेशनल असेंबली भी कहा गया, है ना, फर्स्ट नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा भी कहा गया।
व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा देखिए, एक्सक्यूज मी, आपका सेकेंड सेशन 1886 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी जो हैं, वो इसके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ छेड़ी थी, जिसके बारे में मैं बता रही थी। जब आप ड्रेन ऑफ वेल्थ देखोगे ना, तो होम चार्जेस भी देखना क्या होता है। क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है, होम चार्जेस। एंड दादा भाई नौरोजी वो इंसान है जो कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने। आपको पता है जब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो कौन से समाज के रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, कौन से कम्युनिटी के रिलीजन के रिफॉर्म से जुड़े हुए थे दादा भाई नौरोजी, और उनके जर्नल का नाम बताया था मैंने आपको, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था। जल्दी से बताओ मुझे चैट में लिख के। बच्चों जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके वो बेल बजा देना साइड वाली, तो फिर सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको। यहाँ पे ना इकोनॉमी की क्लासेस सर लेते हैं राहुल शर्मा सर, और वो आपका मैप वर्क भी लेते हैं। अनिरुद्ध सर आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस लेते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। मैं आपका आर्ट एंड कल्चर लेती हूँ सुबह, एंड शाम को मॉडर्न हिस्ट्री। पारसी एंड रस्त गुफ्तार, वेरी गुड, है ना। रस्त गुफ्तार एंड पारसी कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, जिनके एसोसिएशन का नाम क्या था बच्चों, जल्दी से बताओ। एसोसिएशन का नाम क्या था, पता है। कमाल की बात क्या है, जब मैं लेक्चर शुरू करती हूं ना, तब बच्चे बहुत कम होते हैं, जब मेरा जाने का समय आ जाता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मैंने आफ्टरनून में भी यही क्लास टाइम नोट किया कि 1 से 2:30 हमारा सेशन है, 2:20 होता है और एकदम भरमार आ जाती है। बच्चों क्लास का टाइम 4 बजे है, 4 से 5, ठीक है। रहनुमाई मजदा यासिन सभा, याद है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो दादा भाई नौरोजी आपको ये भी याद रखना है, ये वो इंसान है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे। इनफैक्ट इन्होंने एक सेशन प्लान किया था कांग्रेस का कि हम ना वो लंदन के अंदर रखेंगे, ताकि लंदन के लोगों को हम बता पाएं कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश में क्या गंदगी फैला रही है ना, कितना मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कितना कुप्रशासन कर रखा है हमारे यहाँ। हम लंदन की जनता को अवेयर करेंगे। लेकिन इलेक्शन ईयर था वो, तो ये चाहते थे वहां पे हो, लेकिन फिर नहीं हो पाया, पोस्टपोन किया गया कि फिर कभी कर लेंगे कांग्रेस का सेशन लंदन में, बट ये नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन ही हैड प्लान्स, और आपको याद रखना है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे, वहां जाकर के भी इन्होंने इंडिया की डिमांड्स को रखा था। अमन, डू यू सीरियसली वॉन्ट टू स्टडी और यू वॉन्ट मी यू टू ब्लॉक यू? मैं 2 बार 3 बार वार्निंग देती हूँ, उसके बाद में आई डोंट टॉलरेट एनीवन, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा सा चैनल है, क्या दिक्कत है। गर्लफ्रेंड भाग गई, मैडम आप कहाँ से हो, हाउ डज इट मैटर। चलो थर्ड सेशन देखो, बदरुद्दीन तैयब जी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने, है ना, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने। और इस सेशन के अंदर बहुत क्लियरली कहा गया, बहुत क्लियरली कहा गया कि जो कांग्रेस है वो किसी एक कम्युनिटी की या संप्रदाय की नहीं है, वो सब संप्रदाय के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, सभी संप्रदाय के जो हित है, जो इंटरेस्ट है, उसको रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस देखिए, फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस, जॉर्ज यूले ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनते हैं। आपका होमवर्क रहा, आज के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे वीडियो के नीचे
ठीक है, आज के वीडियो के नीचे मुझे लिख के बताओगे कि और कौन से ऐसे इंग्लिश थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। हु ऑल वर द इंग्लिश हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन कौन थे, कौन कौन से सेशन में बने, कितनी बार बने, और जो लास्ट बार बना वो कौन से साल में बना। ठीक है, तो कितने इंग्लिश प्रेसिडेंट्स हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन कौन से साल में बने, कितनी बार बने, एक बार बने, दो बार बने, और लास्ट जो इंग्लिश प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का वो कौन से साल में बना। ठीक है, वो कौन से साल में बना। कलकत्ता का 1896 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीमतुल्लाह, है ना, रहीमतुल्लाह सयानी इसको प्रेसाइड कर रहे थे, इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1899 जिसे रमेश चंद्र दत्त ये प्रेसाइड कर रहे थे, अध्यक्ष थे, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो डिमांड की गई वो और भी इंपॉर्टेंट है। कहा गया लैंड रेवेन्यू जो है, है ना, उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए। देश के विभिन्न भागों में जो आपको भू राजस्व इकट्ठा करना है वो परमानेंटली फिक्स कर दो। रमेश चंद्र दत्त की बुक है एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इरिश भी इसी में ऐड करे क्या? हाँ हाँ अनुज, आप मुझे जितने भी मैंने आपको बोला इरिश इसमें, हाँ अगर आयरलैंड से हैं यू कैन ऐड, है ना, यू कैन ऐड। जितने भी यूरोपियंस हैं जो इंग्लिश हैं वो यू कैन ऐड। ठीक है, आप ऐड करो, आंसर लिखो, जो भी मॉडिफिकेशन होगा मैं कर दूंगी। ठीक है, यू डू इट। 1901 का कांग्रेस का सेशन वो सेशन है जब गांधी, है ना, जब गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पे आए। ध्यान रखना इसको, तब कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, तब गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। 1901 की बात है, कलकत्ता में सेशन चल रहा था और दिनशा वोचा जो हैं वो उसको अध्यक्ष थे। यहाँ पे गांधी साउथ अफ्रीका में थे तब, ठीक है, साउथ अफ्रीका में थे, और वहां पे साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की नीति थी, उसके खिलाफ इंडियन लीडर्स का सपोर्ट मांग रहे थे। सो पहली बार गांधी कांग्रेस के किसी सेशन में अगर इंक्लूड हुए तो वो आपका 1901 का सेशन था, बट तब वो साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे थे, तब वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, एंड वो रंग भेद की जो नीति है आपकी उसके खिलाफ इंडियन लीडर्स का सपोर्ट मांग रहे थे। अनस, मैं अभी जो पढ़ाती हूँ मैं आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ, क्लास 8th की ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट किताब होती है। बनारस सेशन 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले, जहां पे आपके बंगाल विभाजन के खिलाफ, जिसको हम कल पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया उसको सपोर्ट दिया गया पहली बार आपके बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस में 1905। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। सो जो आपका बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ, वो उसको पहली बार सपोर्ट मिला
इस सेशन के अंदर। अब आपको एक होमवर्क दे रही हूं, कांग्रेस के किस सेशन में एक वुमेन जो है उसको स्पेशल इनविटेशन दिया गया। 1905 से पहले की बात कर रही हूं, कांग्रेस के शुरुआती दौर में वो कौन महिला थी जिसको स्पेशल इनविटेशन दिया गया और जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसने उसको एड्रेस किया, है ना, उसको एड्रेस किया, बातचीत की, वहां पे लोगों के जाके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखा और उसको क्यों इनवाइट किया गया था। तो वो कौन सी महिला थी जिसको कांग्रेस के 1905 से पहले किसी सेशन में स्पेशल इनविटेशन दिया गया, कौन सा वो सेशन था और उनको क्यों बुलाया गया था, आपका होमवर्क है। ठीक है, आज यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों, कल ये सब हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया कि स्टार्टिंग फेज में डिमांड्स क्या थी। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। कल से हम यहां से शुरू करेंगे आगे का अपना जो भी पोर्शन है। ठीक है, विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच। एक बच्चों, ये आपके फीस का तो हो गया, मास्टर क्लास का अगर आप चाहें एक बार देख सकते हैं, है ना। सो आपकी मास्टर क्लास के बारे में ये है यहाँ पे, अगर आप सुपर कोचिंग पे स्कॉलरशिप चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी 6 PM पे टेक्स्ट बुक की ऐप पे। ठीक है, फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, रोज एक बच्चे को मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ यू कैन यूज द कोड इफ यू वॉन्ट। पर हाँ, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, बाकी सब तो चलता रहेगा। और जो पढ़ाती हूँ प्लीज उसको जाके रिवाइज करो, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। यस, कादंबिनी गांगुली, मुझे कमेंट बॉक्स में बाकी लोग लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज। शाम को 6 बजे मिलते हैं टेक्स्ट बुक की ऐप पे।